नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो वैकेंसी अपडेट आई है वो आई है BSNL की तरफ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BSNL जो है एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। दोस्तों, अगर हम बात करें BSNL के फुल फॉर्म की तो भारत संचार निगम लिमिटेड यह इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें जो है आपको टोटल 100 सीटें देखने को मिलेगी। यह सीटें जो हैं पहले अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी, इसके बाद जो है आपको जॉब मिल जाएगी। दोस्तों, हम बात करेंगे पूरी नोटिफिकेशन के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड तेलंगाना सर्कल की यह वैकेंसी है जो कि ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है आपको एक इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू के बेस पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है डिग्री और डिप्लोमा वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ग्रेजुएट वालों के लिए कितनी सीटें हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो आपके डिग्री वाले हैं उनके लिए टोटल नंबर ऑफ सीटें जो हैं वो 75 हैं। जिनको स्टाइपेंड जो मिलेगा वो मिलेगा शुरुआत में स्टाइपेंड 49,89 रुपये, और इसके बाद जो है ड्यूरेशन एक साल का होगा, एक साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, और इसके बाद जो है ये परमानेंट कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो सेकेंड वैकेंसी है वह है डिप्लोमा वालों के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए जो टोटल सीटें हैं वो जो है 25। इसमें जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा इन लोग को मिलेगा 3542 रुपये पर मंथ के हिसाब से। एक साल का टाइम रहेगा ट्रेनिंग का, और ट्रेनिंग के बाद जो है ये परमानेंट अपॉइंट किए जाएंगे। अगर हम बात करें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिग्री वालों को जो है एक इनको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इन्हें जो है भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री करी हो, इसके अलावा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा वालों के लिए जो है वो किसी भी स्टेट से हो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है उन लोग को इंटरव्यू देने के लिए जो जाना पड़ेगा वो जाना पड़ेगा तेलंगाना में, वहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम बात करें एज की, तो एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग जो है आपकी एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी 25 साल होना चाहिए। 25 साल अगर आपकी एज है तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मांगा है वो मांगा है आपका 92। अगर 1992 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप जो है उसके बाद से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1992 के बाद जिस भी डेट में आप पैदा हुए हों तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ड्यूरेशन ट्रेनिंग की, तो एक साल का जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, और ट्रेनिंग पीरियड के समय में जो है आपको हमने बता दिया कि कितनी सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद जो है आप अपॉइंट कर लिए जाएंगे। अगर हम बात करें कि एक्सपीरियंस की, तो आपका जो है किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसमें जो है आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की जो होगा वो होगा ST SC OBC वालों के लिए जो है आपका इनमें छूट है, किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है, और किसी के लिए भी जो है कोई फीस नहीं है। विदाउट एग्ज़ाम के आपका डायरेक्ट बेस पर सिलेक्शन होगा BSNL कंपनी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक गवर्नमेंट कंपनी है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो है आप देख सकते हैं आपको डालना है www.mhrdnets.gov.in पे जाना है। यहाँ पर जो है आपको क्लिक इनरोल करना है। वहाँ पर कंप्लीट जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको कंप्लीट करना है। जैसा कि हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो है आपको लॉगिन करना है, इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू पर जाना है, वहाँ पर जो है आपको क्लिक फाइंड इस्टेब्लिश में जाना है, और आपका जो है उसके बाद अपलोड रिज्यूम करना है। रिज्यूम आपने जो बनाया है उसको आपको जो है अपलोड कर देना है। अपलोड रिज्यूम करने के बाद जो है आपको इस्टेब्लिशमेंट में टाइप करना है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसको सर्च करने के बाद जो है आपका एक फॉर्मेट खुलेगा, फॉर्मेट को जो है आपको पूरा भरना है। उसके बाद करना है क्लिक अप्लाई। अप्लाई करने के बाद जो है इसको अगेन कर दीजिएगा आप, जिसके माध्यम से जो है आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा भी है कि आपको जो है किसके बाद क्या करना है। अगर हम बात करें कि आपको जो है ट्रेवलिंग अलाउंस की, तो ट्रेवलिंग करते समय जो भी आपका पैसा लगेगा वो जो TADA होगा वो भी जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ जाने का आपको जो है घर से कोई भी खर्चा नहीं देना होगा। दोस्तों, यह एक सरकारी कंपनी है, इसमें अगर आपकी जॉब लगती तो अच्छी एक रेपुटेशन के साथ जो है आप जॉब को कर पाएंगे। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो स्टार्टिंग हो चुका है वो 4/3/2020 से स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट रखी गई है 12/3/2020 है। आपका जो है भारत संचार निगम लिमिटेड इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 16 मार्च तक। इसके बाद जो है आप इंटरव्यू होगा आपका 19/3/2020 को।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर।